झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बता दें कि वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सोरेन पहली बार सोनिया से मिलने पहुंचे थे। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा न्यायपालिका को अपमानित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जेल से आने के बाद उनकी सोनिया गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। भाजपा के संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत के लोग बहुत सहनशील और सहयोगी होते हैं, वह बहुत सहते हैं और जब वे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वोट के जरिए अपनी बात रखते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि केजरीवाल को जल्द जमानत मिल जाएगी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गए। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। जेल से बाहर निकलने के बाद मोबाइल फ्रेम खराब कर रहा है। मुलाकात नहीं हुई थी तो ये विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों क्या बातचीत हुई सर? विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, नहीं अभी चुनाव उनाव को लेकर कोई चर्चा सर। संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है बीजेपी, उस पर आप क्या बोलेंगे सर? अरे बीजेपी का हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है। और जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का इस देश का ये कि लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं और काफ़ी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई प्रतिक्रिया? इंटरिम बेल कल मिली थी सर उनको, अभी भी जेल में ही रहेंगे। लेकिन सीबीआई केस में अंतर आपको पता ही है, ये क्या ड्रामा विगत दिनों हुआ है, किस तरीके से न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने का इन लोगों ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया है, वो बाहर नहीं निकले इसका हमें खेद है। और मैं आशा करता हूँ जो भी अब जनता